नागौर की प्रसिद्ध जो जूतियाँ होती है वो वैसा बेच रहे हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ खास बात होती है, साथ में डिजाइन वगैरह भी जानेंगे, साथ में क्या कुछ रेट वगैरह रहने वाली है तो उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हंसराज है। हंसराज जी, कौन सी ये जूतियाँ आप सेल कर रहे हो अभी? जूती मारवाड़ की है, नागौर की जूती। नागौर की एक नंबर जूती है। तो जैसा कि मैंने ऐसा सुना है कि नागौर साइड की जो जूतियाँ होती है ये और फेमस है, तो क्या कुछ इसमें फेमस होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। फेमस क्या है नागौर का, ये जूती है चमड़े की होती है, प्योर चमड़े की। प्योर चमड़े की होती है। हाँ, ये वाली जूती देख रहे हो आप, चलने में भी बढ़िया है और कम्फर्टेबल रहती है पहनने के बाद। कितने साल हो जाती है? आराम से 2 से 2.5 साल चल जाए। 2 से 2.5 साल चलना नहीं वाले। अच्छा, ये खास बात होती है, कोई डिजाइन वगैरह में भी कुछ स्पेशल होता है क्या इनके डिजाइन में? बिल्कुल होती है ना, ये देखिए इसमें कशीद आ गया है। अच्छा, ये जो आजकल के लड़के हैं ना इसी को पहनते हैं। हाँ, दिखने के अंदर भी अच्छी लगती है और आसानी से निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे सैंडल वगैरह पहनती है तो काम ले सकते हैं? वैसे ही। तो इसके अंदर कौन सा, जैसे ये जूती है इसके अंदर क्या क्या मटेरियल काम में लिया गया उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ हमें। मटेरियल देखिए, ये भैंसी का तला है, तला है ना, ये भैंसी होती है। अच्छा, ये अंदर वाला ये क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बच्चला। अच्छा। हाँ, और ये जो सूत होता है ना, ये सूत का सिलाई किया जाता है। सूत का सिलाई किया जाता है। हाँ, फिर ये ऊपर वाला ये नोक होता है। ये नोक होता है 700 रुपए का भाई जी। हाँ। अच्छा, ये कुछ आइटम सभी जूतियों के अंदर ये काम में लिया जाता है? ये लिया जाता है बिल्कुल। डिजाइन ओनली फर्क अलग अलग होती है, डिजाइन अलग अलग, नाप अलग अलग, नाप अलग अलग होता है। तो जैसे कि इनमें कौन कौन से नाप होते हैं, कितने साइज होती है? साइज जैसे बनाने पे 6 साइज होती है। अच्छा, 13, 13.5, 14, 14.5, 15। अपने जो शूज वगैरह पहनते हैं उसमें तो 6 से स्टार्ट होती है, 5-6। हाँ, उसका साइज अलग अलग होता है, 6 से 10 तक होता है। अच्छा, तो इसमें 13 से लेके 16 तक होता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे 13 नंबर वाली जो ये 5 नंबर पे आ जाएगी, 5 नंबर पे इस तरीके से। हाँ, तभी इनके डिजाइन वगैरह के बारे में जानेंगे क्या कुछ प्राइस रहने वाली है। इनको कुछ बोलते भी क्या, इनके नाम अलग अलग है या फिर जूते ही बोलते हैं? जैसे ये निम्बी की जूती बोलते हैं, ये जैसे ये अपना नीलमाड़ की जूती बोलते हैं। हाँ। और ये नागौर की ये वाली है, ये नागौर वाली। हाँ, ये नागौर में बनी हुई, ये नागौर की। हाँ, तो इसे नागौर वाली जूती है, इसकी क्या रेट है? 350। 350 रुपए की। फिर ये 1x1 और जैसे दूसरी जूतियों की प्राइस हो गई, जैसे ये 450 की है, ये 450 की है, ये कौन सी है? ये भी नागौरी है? हाँ, नागौरी बोलते हैं, नागौर के आसपास में जो गाँव बने उनकी लाई हुई। उनमें फिर ये वाली, ये वाली आ गई 350 की है, ये कुरम है, ये चमड़ा नहीं है। अच्छा, ये चमड़ा नहीं है, ये फिनिशिंग के लिए बस। ये वाली 300 रुपए की है, नीचे अलग आ गई, ये चमड़े का नहीं है। ये आगे की तरफ में चलते हैं, ये 350 है, ये 350 है, 350। हाँ, इसमें डिजाइन आ गई अलग बस। फिर ये वाली, ये 550 की है, जो ऊपर पड़ी है ना ये इस साइड। हाँ, ये वाली 550 रुपए की है सर, ये वाली। और मतलब हाईएस्ट मैक्सिमम कितने रुपए की जूती आपके पास में? हमारे पास नहीं, हमारे पास सिर्फ 800 रुपए तक। 800 रुपए तक। हाँ। स्टार्टिंग कितने से होती है? ये यहाँ से 300 रुपए से। 300 रुपए से बिल्कुल। तो ये कितने दिन हो आप मेले में? हम 19 तारीख तक है। 19 तक है क्या? हाँ। उसके बाद में जैसे आपका होलसेल का काम है? होलसेल का है। किसी को मान लो ये जूतियाँ वगैरह मंगवानी हो, आपसे कुछ बात करनी हो, तो होलसेल के अंदर रेट में भी डिफरेंस आता होगा? हाँ, होलसेल के डिफरेंट आता है। तो अगर किसी को इन जूतियाँ आपको मंगवानी हो किसी, तो किस तरीके से आपको मंगवा सकते हैं? मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो आपको बता दूँ। और एड्रेस कहाँ गया आपका? नागौर बडली से। नागौर बडली से। हाँ, तो भाई साहब के जो नंबर है वो ये बता देते हैं, इनके ऊपर आप और व्हाट्सएप कर सकते हैं। बताइए भाई साहब। 9509105091503425032। तो इन पे भाई साहब के जो नंबर है इन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको होलसेल के अंदर चाहिए और किसी को कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए तो क्या, तो भी पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। अच्छा, जैसे आप बोलोगे वैसा भेज देंगे, कहीं पे भी राजस्थान में, कहीं पे भी राजस्थान में, कहीं बिल्कुल ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है। हाँ, अवेलेबल है। तो आप सेल वगैरह भी करते भी हो गया ऑनलाइन? हाँ, सेल करते ना, यहाँ से जाने के बाद में घर से होलसेल का ही काम करते हैं। होलसेल में। हाँ, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।